सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुशमांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और दबाए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुशमांडा एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे हरियाणा पटवारी एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसे सवालों की जिस पर जिनके आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कुछ जो है ना, ये पटवारी संबंधी शब्दावली है, तो इस पर सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इंटू, हरियाणा राज्य को कितने कानून को सर्किल्स में डिवाइड किया गया है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका पहला ऑप्शन है 256 कानून गो सर्किल। ठीक है, कानून गो सर्किल मैं हिंदी में भी यहाँ लिख रहा हूँ जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इस बात को समझ पाएं और थोड़ी कोशिश करें कि वो जो है ना, ये इस बात को तैयार कर लें। चलिए, हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इंटू, तो हरियाणा जो राज्य है वो कितने पटवार सर्किल में डिवाइड किया गया है। तो इसका भी पहला ऑप्शन है आपका 2691, 2691 पटवार सर्किल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा स्टेट इज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू स्टेट, कितने रेवेन्यू स्टेट्स में जो है डिवाइड किया गया है हरियाणा राज्य को। तो वो है आपका 7088 राजस्व स्टेट बोलते हैं इसे। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल्डिंग्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड इज कॉल्ड, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड की होल्डिंग को क्या कहा जाता है। तो वो है आपका खाता, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, खाता। द लिस्ट ऑफ ऑनर्स होल्डिंग इज कॉल्ड, द लिस्ट ऑफ ऑनर्स होल्डिंग इज कॉल्ड, तो उस लिस्ट को, सूची को जो कहा जाता है खेवट नंबर। खेवट नंबर, सर्वे नंबर इज कॉल्ड, सर्वे नंबर इज कॉल्ड, तो सर्वे नंबर को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला ए ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो इसका जो है सी ऑप्शन है, खसरा नंबर। ठीक है, खसरा नंबर जो है आपका, ये सर्वे नंबर कहलाता है। विलेज ऑफिसर्स आर, गांव के जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कानून को, पटवारी, कोटार, लंबरदार। तो इसका आपका डी जवाब आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सारे के सारे ठीक हैं, सब ये सब गांव के अधिकारियों के नाम है। वॉट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपील बिफोर कलेक्टर, कलेक्टर के सामने अपील करने की लिमिटेशन सीमा, समय सीमा क्या होती है। तो इसका होता है 30 दिन, 30 days। वॉट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड अपील बिफोर कमिश्नर, कमिश्नर के सामने जो समय सीमा है अपील की वो कितने दिन की होती है। तो इसकी है आपकी 60 days। क्वेश्चन नंबर 19 का है आपका 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड अपील बिफोर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर अपील करने की समय सीमा 90 दिन होती है। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और इंस्पेक्शन ऑफ हार्वेस्ट, तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये वीडियो हमने इस टॉपिक पर जो है ना नायब तहसीलदार वाले एग्जाम के लिए भी बनाई थी। ठीक है, तो लेकिन पटवारी में उम्मीद है आने की इनके क्वेश्चंस के इस तरीके के। तो इंस्पेक्शन ऑफ हार्वेस्ट इज कॉल्ड गिरदावरी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज शजरा किश्तवार, शजरा किश्तवार क्या होते हैं। ठीक है, शजरा किश्तवार इसे ऐसे लिखते हैं। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार,
शजरा किश्तवाड़ जो होता है आपका, द मैप ऑफ ए विलेज शोइंग द पोजिशन एंड बाउंड्री ऑफ एवरी फील्ड, ठीक है, गांव का नक्शा होता है। द रजिस्टर ऑफ क्रॉप्स इंस्पेक्शन इज कॉल्ड, जो क्रॉप इंस्पेक्शन का रजिस्टर होता है उसको क्या कहते हैं, खसरा गिरदावरी। इसका डी जवाब है आपका, खसरा गिरदावरी। तो मैं आपके साथ साथ जो है ना हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि बच्चे पहले स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हिंदी में भी बताइए, तो खसरा गिरदावरी। व्हाट इज द वर्नाकुलर वर्ड फॉर म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है, म्यूटेशन तो आप समझते हो गए, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है आपका म्यूटेशन के लिए इंतकाल। इंतकाल मतलब म्यूटेशन होता है, रजिस्ट्री कराना, ठीक है, तो इंतकाल शब्द आता है इसके लिए। द लैंड रेवेन्यू, द लैंड विच इज इरीगेटेड, द लैंड विच इज इरीगेटेड बाय कैनाल्स इज कॉल्ड, नहरों द्वारा जिस भूमि की सिंचाई की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख पा रहे हो आप, इंतकाल, नहरी, चाही और अभी, उसका बी ऑप्शन है अभी, ठीक है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाने वाली जमीन, नहरी। द लैंड विच इरीगेटेड फ्रॉम वाटर ऑफ वेल्स, तो वेल्स के कुएं के द्वारा के पानी से जो जिस जमीन की सिंचाई होती है उसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, चार ऑप्शन है, तो उसे बोला जाता है चाही, ठीक है, चाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लैंड विच इज इरीगेटेड फ्रॉम वाटर ऑफ ट्यूबवेल, जो आपका गाँवों में ट्यूबवेल नहीं होते, लगे होते हैं कमरे, जिनके खेत हैं उन्होंने देखा होगा ट्यूबवेल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें तीन ऑप्शन आ लिए, इंतकाल, चाहिए, अभी, तीनों में से एक भी नहीं है, चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ डी, तो इसको बोला जाता है आपका नल चाही, ठीक है, ट्यूबवेल से जो खेती की जाती है, जिस जमीन की सिंचाई की जाती है। द लैंड विच इज इरीगेटेड फ्रॉम टू सोर्सेस, फर्स्ट फ्रॉम वेल्स एंड फ्रॉम कैनाल्स इज कॉल्ड, ठीक है, तो दो सोर्सेस से जो है खेती की जाती है, जिस जमीन की सिंचाई की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं चाही नहरी। अगला सवाल है आपका, वन एकड़ और एक किला, एक एकड़ में कितने किले होते हैं, ठीक है, कितने किले होते हैं, तो या मतलब एक एकड़ या एक किला, किला एकड़ का ही दूसरा नाम है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हो ना, ये रहा, तो उसमें पूछा गया कितने मरला होते हैं, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 160 मरले का एक एकड़ होता है, 160 मरले का एक एकड़ होता है, जरूर याद रखना है, आ सकते हैं सवाल, इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल क्वेश्चन है। वन एकड़ या एक किले में कितने कनाल होते हैं, ठीक है, वन एकड़ या इसमें कितने कनाल होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8 कनाल। द लैंड विच इज इरीगेटेड फ्रॉम टैंक्स, झील्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, तो और करीज, तो जो आपकी भूमि है जो टैंक के जरिए, झील के जरिए, स्ट्रीम्स के जरिए, स्प्रिंग्स के जरिए, करीज के जरिए होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं अभी, अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लैंड विच इज इरीगेटेड फ्रॉम हिल टोरेंट्स, हिल टोरेंट्स इज कॉल्ड, तो इसका जवाब है आपका रोड, कोही और बैंदाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द लैंड विच रिमेन्स अनसोन फोर टू 11 हार्वेस्ट इज कॉल्ड, ठीक है, वह जमीन जो बोई नहीं जाती 4 से 6 हार्वेस्ट के लिए इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसे, तो उसके ऑप्शंस देखते हैं एक बार क्या जवाब हो सकते हैं। ये चार ऑप्शन है आपका, अभी, कोही और बैंदाजा, तो बंजर खाम बोलते हैं, ठीक है, बंजर
हाँ, द लैंड विच रिमेन्स अनसोन फॉर 12 हार्वेस्ट, ठीक है, 12, तो नंबर का ध्यान रखना, 12 हार्वेस्ट इज कॉल्ड, तो इसके लिए आपका है बंजर जदीद, ठीक है। बंजर जदीद क्या होता है, उस जमीन को कहते हैं विच रिमेन्स अनसोन फॉर 12 हार्वेस्ट, याद रखना। द स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रेस्पेक्टिंग राइट्स और लाइबिलिटीज इन द एस्टेट इज कॉल्ड, चार ऑप्शन है, तो इसका है आपका वाजिबुल अर्ज, डी जवाब आएगा, द स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रेस्पेक्टिंग राइट्स और लाइबिलिटीज इन द एस्टेट इज कॉल्ड वाजिबुल अर्ज। ए विलेज नोटबुक इज आल्सो कॉल्ड, जो गांव की विलेज नोटबुक है उसको क्या कहा जाता है, आसान सवाल है, लाल किताब कहा जाता है, ए लो लाइंग लैंड नियर रिवर्स, नदियों पर जो है निचली भूमि को क्या कहते हैं, तो उसको खादर या खादिर कहते हैं। एक कनाल में कितने मरला होते हैं, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, एक कनाल में कितने मरले होते हैं, तो एक कनाल में आपके 20 मरले होते हैं। एक मरला कितने सरसरी के बराबर होता है, तो 1 मरला इक्वल्स टू, ऑप्शन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, 1, 2, 3 सवाल आपको मिल जाएंगे यहाँ से, ज़्यादा भी मिल सकते हैं, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। हाँ, ये आ गया ऑप्शन, तो सवाल हमारा ये था, एक मरला कितने सरसरी के बराबर होता है, तो वो है आपका 9, 9 सरसरी, ए ऑप्शन है। एक सरसरी में कितने कलम होते हैं, अगला सवाल है आपका, एक सरसरी में कितने कलम होते हैं, तो जो एक सरसरी है वो 1 कलम × 1 कलम होता है ये, और 1 कलम में कितने इंच होते हैं, 1 कलम में कितने इंच होते हैं, बताइए क्या जवाब हो सकता है इसका, 66 इंच। ए पोर्शन ऑफ क्रॉप्स विच हैज फेल्ड टू कम टू मैच्योरिटी इज कॉल्ड, वह हिस्सा फसल का जो कि अपनी परिपक्वता तक नहीं पहुंचता है उसे क्या कहते हैं, तो इसके लिए जो ऑप्शंस देख लेते हैं, लाल किताब, खादिर, खराबा, वाजिबुल अर्ज, क्वेश्चन नंबर 32, तो इसको बोला जाता है खराबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ए सरचार्ज ऑफ 5% ऑन द रेवेन्यू पेड टू विलेज हेडमैन इज कॉल्ड, पेड टू विलेज हेडमैन इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है आपका पछोतरा। क्वेश्चन नंबर 34, द रिपोर्ट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, म्यूटेशन होता है रजिस्ट्री, टू पटवारी मस्ट बी मेड विद इन, कितने दिन में म्यूटेशन रिपोर्ट पटवारी ने तैयार करनी होती है, क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका टाइम पीरियड है आपका 3 मंथ, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, खतौनी आर कैप्ट इन कस्टडी ऑफ, खतौनी किसके पास होती है, हलका पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम और नन, तो खतौनी जो है आपकी हलका पटवारी के पास होती है। खतौनी कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट, खतौनी में क्या होता है, ठीक है, खतौनी में क्या सूचना होती है, तो खतौनी के अंदर जो है आपका ओनरशिप और कल्टीवेटेड राइट्स इन लैंड दोनों होते हैं, बोथ, सी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, खतौनी इज रिवाइज्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, इसका आपका बी आएगा, 5 ईयर्स के बाद रिवाइज होती है, और खतौनी इज प्रिपेयर्ड बाई, खतौनी को तैयार कौन करता है, ठीक है, सवाल क्या आपका, खतौनी को तैयार कौन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 38 के ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये करता है आपका पटवारी, देखो तो पटवारी के वाले एग्जाम के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे सवालों पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, नहीं, और जिनमें गलती की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपसे गलती नहीं होगी, फिर बार बार देखिए। द रजिस्टर ऑफ ऑल पर्संस कल्टीवेटिंग और अदरवाइज ऑक्यूपाइंग लैंड इन ए विलेज इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर 39,
उसका बोलते हैं खतौनी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। फर्स्ट 6 मंथ इंस्पेक्शन, पहले 6 महीने का फसलों का इंस्पेक्शन इन मंथ ऑफ अक्टूबर इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं खरीफ गिरदावरी। ठीक है, अक्टूबर का महीना याद रखना, ठीक है ना, तो खरीफ गिरदावरी। क्वेश्चन नंबर 41। द सेकेंड इंस्पेक्शन ऑफ क्रॉप्स इन द मंथ ऑफ फेबररी इज कॉल्ड। ठीक है, देखो अक्टूबर का इसका फर्क याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, अगर फरवरी की बात हो रखी है 41 क्वेश्चन में, तो वो आपका रबी गिरदावरी कहते हैं। ठीक है, फेब की बात है आपकी तो रबी गिरदावरी, अक्टूबर की बात है तो खरीफ गिरदावरी। क्वेश्चन नंबर 42। गिरदावरी डन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इज कॉल्ड। ठीक है, वो गिरदावरी जो अप्रैल के महीने में जो है डन की जाती है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें, इसको बोलते हैं जायद गिरदावरी। फॉर म्यूटेशन प्रोसेस हल्का पटवारी रिपोर्ट्स इन प्रेस्क्राइब फॉर्म कॉल्ड, वो कौन सा फॉर्म है जो म्यूटेशन प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं, इसका है आपका P1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जमाबंदी इज रिवाइज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, जमाबंदी को कितने वर्षों के बाद रिवाइज किया जाता है। ठीक है, जमाबंदी तो ये आपका 5 साल के बाद। सेल ऑफ द होल्डिंग्स ऑफ डिफॉल्टर फॉर रिकवरी ऑफ अरेस्ट इज लेड इन, कौन सी धारा है डिफॉल्टर के लिए, अरेस्ट के लिए, तो यह आपका है आपका सेक्शन 88। जियोलॉजिकल ट्री ऑफ लैंड ओनर इज कॉल्ड, जीनियोलॉजिकल ट्री ऑफ लैंड ओनर्स इज कॉल्ड, ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन है इसके शजरा नस्ब, खरीफ गिरदावरी, रबी, तो इन सब की तो हम बात कर चुके हैं, खरीफ की, रबी की, जायद की, तो शजरा नस्ब बोला जाता है इसे, शजरा नस्ब। तो इसमें सवाल था हमारा जीनियोलॉजिकल ट्री ऑफ लैंड ओनर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए विलेज कॉमन लैंड इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं शामलात। ठीक है, कॉमन भूमि जो होती है गाँव की, उसको शामलियात कहते हैं, शामिलात। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ऑफ राष्ट्रीय बाढ़ आयोग फ्लड प्रोन एरिया इन हरियाणा इज, तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हरियाणा का कितने हेक्टेयर है, तो ये आपका है 23.50। ठीक है, तो इतने हेक्टेयर है आपका। ठीक है, और उसके बाद है आपका नेक्स्ट देखते हैं, द हरियाणा फॉल्स इन सीज़मिक जोन, किस सीज़मिक जोन में आता है हरियाणा, फोर्थ में, थर्ड में और सेकंड में, तो इसका डी जवाब है ऑल ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा ज्योग्राफी वाले हिस्से में भी कि हरियाणा में कई सीज़मिक जोन नजर आते हैं हमें अलग अलग एरियाज के लिए। तो अबाउट हाउ मैनी स्क्वायर किलोमीटर आर इन हरियाणा इज अंडर लेन बाई सेलाइन ग्राउंड वाटर, खारा सेलाइन वाटर। तो क्वेश्चन नंबर 50 के आंसर देख लें, 3766 किलोमीटर। विच डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एंडेमिक टू फ्लोरोसिस ड्यू टू अबंडेंस इन नेचुरल अकरिंग फ्लोराइड रिपेयरिंग मिनरल्स, तो कौन से जिले हैं हरियाणा के जहां पर हमें जो है ना फ्लोरोसिस जैसा कुछ देखने के लिए मिलता है, फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा पानी में मिलाव हमें मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 तो हिसार, कैथल और गुरुग्राम, तो इसका डी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है हीट वेव के ऊपर। हाँ जी, शुरू करते हैं, तो हीट वेव इज डिफाइंड एज
कंडीशंस वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर एट ग्रिड पॉइंट इज 3 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर देन नॉर्मल टेम्परेचर कंसिक्वेंटली। तो हीट वेव पर सवाल पूछा गया है, इसका जवाब आएगा आपका 3 डेज और मोर, 3 डेज और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑरेंज अलर्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर सिग्नल्स फॉर हीट अलर्ट्स, तो इसका है आपका मॉडरेट कंडीशन। ऑरेंज अलर्ट में जो है आपका मॉडरेट कंडीशन। येलो अलर्ट में आपका है आपका हीट वेव वार्निंग। येलो अलर्ट जो है आपका हीट वेव वार्निंग। हाउ मेनी एकर्स इन ए हेक्टेयर, ये सवाल पीछे भी आया था किसी एग्जाम में हरियाणा एसएससी में ही, कि 1 एकड़ में मतलब 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं। ठीक है, तो हेक्टेयर की बात चल रही है, हेक्टेयर आपने पढ़ा होगा में कितने एकड़ है आपका, तो 2.4710531। ठीक है, फोन नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, इसे एक बार आ भी चुका है। 1 एकड़ और 1 किले में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं, तो इसमें होते हैं आपके 4840 स्क्वायर यार्ड, 4840 स्क्वायर यार्ड यानी कि पहला। नेक्स्ट है आपका 57, 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ठीक है, स्क्वायर फीट पूछे गए हैं एकड़ के अंदर, 43560, 43,560 स्क्वायर फीट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, 1 एकड़, 1 एकड़ जो है कितने स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं, तो ये है आपका 4046 स्क्वायर मीटर। देखो जब फीट की बात हुई वो हमने बता दिया, यहाँ पर मीटर में सवाल है तो याद रखना, भूल मत करना। क्वेश्चन नंबर 59, बाई होम इब्तदाई तस्दीक ऑफ रजिस्टर इज कॉल्ड, इज कैरीड आउट। ठीक है, इब्तदाई तस्दीक, ठीक है, तो इसका जो जवाब है क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात कर रहे हैं, पटवारी, ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 60, फर्द बदर इज टू बी सैंक्शन बाय, तो ये आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है आपका, एडीसी। क्वेश्चन नंबर 61, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंडर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 11(4) इज, ए कलेक्टर शैल कंट्रोल ऑल अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स इन हिज डिस्ट्रिक्ट, इसका जवाब ए आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स ऑन कंडीशंस ऑफ पटवार खानास आर सेंट बाय फील्ड कानूनगो बाय द, तो ये सवाल है आपका, जो आपकी वार्षिक रिपोर्ट आती है पटवार खाना से जो कि कानूनगो द्वारा भेजी जाती है, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, किस महीने में भेजी जाती है, सवाल ये पूछा जाएगा इसमें। हाँ जी ठीक है, तो ये है आपका, तो 1 जनवरी एवरी ईयर। ठीक है, तो आपने जनवरी टिक करना है, तो जनवरी टिक करना है। और सवाल था हमारा कि जो एनुअल रिपोर्ट ऑन कंडीशंस ऑफ पटवार खाना आर सेंड बाय फील्ड कानून को, तो 1 जनवरी में भेजी जाती है। वेन एवर देयर इज ए डिवीजन ऑफ लैंड इन ए जॉइंट होल्डिंग द म्यूटेशन नॉन एज, ठीक है, वेन एवर देर इज ए डिविजन ऑफ लैंड इन ए जॉइंट होल्डिंग, तो इसे क्या कहा जाता है, आसान सवाल है, तकसीम कहते हैं इसे, तकसीम। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, वेन एवर ए पीस ऑफ लैंड इज गिवन ऑन लीज फॉर ए लॉन्ग पीरियड द म्यूटेशन इज नॉन एज, तो 4 ऑप्शन है आपके, तकसीम, पट्टानामा, हिब्बा और नन, तो इसको बोला जाता है पट्टानामा। ठीक है, गिविन ऑन लीज याद रखना, फॉर ए लॉन्ग पीरियड। वेन एवर ए पार्ट ऑफ कंप्लीट लैंड इज गिफ्टेड टू सम पर्सन द म्यूटेशन इज कॉल्ड, पार्ट ऑफ कंप्लीट लैंड गिफ्टेड, ठीक है, गिफ्टेड याद रखना, और तो इसमें तकसीम, पट्टानामा, हिब्बा, तो इसको बोला जाता है आपका हिब्बा, सी जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन टू ऑनर्स डिसाइड टू एक्सचेंज देयर लैंड म्यूटेशन ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड,
दो ओनर हैं और एक्सचेंज करनी है अपनी जमीन, तो इसको बोला जाता है तबादला। इसका डी जवाब आएगा आपका तबादला। हिंदी में भी मैंने साथ साथ लिख दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेन एवर ए लैंड इज मॉर्टगेज्ड कंप्लीटली और पार्शियली टू अनदर पर्सन और पार्टी, म्यूटेशन इज ऑफ, तो उसका बोले से बोला जाता है आपका रहन टाइप, रहीन, ठीक है, मॉर्टगेज करने के लिए। उसके बाद को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। सिक्सटी एट में आपका, वेन एवर ए पर्सन हु हैज मोर्टगेज्ड हिज लैंड वांट टू गेट इट बैक आफ्टर पेइंग ड्यूज टू द मोर्टगेजी, द टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड। ठीक है, किसने अपनी जमीन मोर्टगेज की वापिस चाहता है, तो इस म्यूटेशन को क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68। तो यह आपका है फकुल रहीन, फकुल रहीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कैरीड आउट आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय सम कोर्ट, दिस इज आल्सो नोन एज ए डिग्री बाय कोर्ट बा हुकूमत अदालत, तो इसमें क्या कहा जाता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसको बोलते हैं तब्दील मलकियत। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, वेन एवर ए पर्सन सेल्स हिज लैंड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली टू अनदर पर्सन, दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 70 की बात है, इसको बोलते हैं बाई। 71, द टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉज्ड बाई आइदर डेथ और विल ऑफ ए पर्सन, तो इसे जो बोला जाता है क्वेश्चन नंबर, इसको वारसाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, हरियाणा पटवारी एग्जाम के लिए हम बात कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, तो आप इसे लर्न कर लीजिए, आपकी मदद होगी। ठीक है, बड़े अच्छे सवाल आपके लिए हैं ये। तो इसका है आपका मुसावी इज, मुसावी क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मुसावी वैसे मैपिंग शीट शीट होती है, तो मैपिंग शीट होती है, एक बार फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और मुसावी जो है आपका ये आ गया। ठीक है, तो मैपिंग शीट ए जवाब है इसका, मैपिंग शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पड़त पटवार इस, पड़त पटवार क्या होता है, पड़त पटवार। ठीक है, पड़त पटवार, पटवार क्या होता है, तो ये आपका है पटवारी कॉपी ऑफ न्यूज, पटवारी कॉपी ऑफ न्यू सेटलमेंट रिपोर्ट, इसको पड़त पटवार कहते हैं, पटवारी कॉपी होती है। और एक है आपका पड़त सरकार, पड़त सरकार, तो पड़त सरकार क्या होती है, तो पड़त सरकार के ऑप्शन देख लेते हैं। इसका है आपका गवर्नमेंट कॉपी ऑफ न्यू सेटलमेंट, तो गवर्नमेंट कॉपी पड़त सरकार और पड़त पटवार पटवारी की। और तकावी, तकावी नाम आपने पहले भी सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, तो तकावी क्या चीज है आपका, लोन ग्रांटेड बाई गवर्नमेंट टू लैंड ओनर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ए ऑप्शन आएगा। तकावी नाम हमें मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी मिलता है। वसील बाकी नवीस इस, वसील बाकी नवीस इस क्या है, तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंटेंट है, कहाँ पर, तहसील के अंदर, इसको वसील बाकी नवीस कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है आपका लट्ठा गिरदावरी, क्वेश्चन नंबर 77। 77, तो ये आपका है लट्ठा गिरदावरी, तो चार ऑप्शंस हैं, जो पहला है क्लोथ कॉपी ऑफ पटवारी मैप, इसको लट्ठा गिरदावरी कहते हैं, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, मोजा, मोजा क्या है, मोजा आपने सुना होगा विलेज को कहते थे, मोजा ए, और खुद काश्त, ठीक है, जमाबंदी आप देखोगे तो वहां पर खुद काश्त जैसे वर्ड लिखे मिलते हैं हमें, तो खुद काश्त है कल्टिवेटेड बाय ओनर हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, किलाबंदी, किलाबंदी कल्टिवेटेड बाय ओनर
हिमसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 80, सॉरी ये किलाबंदी है आपका रेक्टेंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, रेक्टेंगल मेजरमेंट, ये मत करना। तभी मैं आपसे कहता हूँ जल्दबाजी में सवाल नहीं पढ़ने, कई बार सवाल हमसे आते होते हैं और आते हुए भी हमसे भूल लग जाती है। तो इसका बी जवाब है रेक्टेंगुलर मेजरमेंट। उसके बाद है आपका रबी इज, तो रबी क्या है आपका स्प्रिंग हार्वेस्ट, जानते ही हो आप पहले से ही। और क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, खराबा, क्वेश्चन नंबर 82 जो है आपका देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका खराबा के ऊपर है, खराबा क्या है, तो खराबा क्या है आपका पोर्शन ऑफ क्रॉप दैट हैज फेल्ड टू कम ड्यू सम कैलेमिटी। खरीफ क्या है, तो इसका जवाब आएगा आपका ए, ए जो है आपका ऑटम हार्वेस्ट, गैर मुमकिन, गैर मुमकिन। तो साथ साथ मैंने हिंदी में भी लिखा है गैर मुमकिन, जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मदद हो जाए, तो थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा आप लोग करने की, समझने की। गैर मुमकिन, ए टाइप ऑफ लैंड ऑन विच एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट आर डिफिकल्ट टू मूव। नेक्स्ट देखते हैं गिरद्वार, तो गिरद्वार जो है आपका सी ऑप्शन है, कानून गो और सुपरवाइजर और पटवारी, इसको गिरद्वार भी कहते हैं, ठीक है। गिरद्वार जो है आपका ये कानून गो और सुपरवाइजर और पटवारी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, आबादी दे, आबादी दे, तो आबादी दे क्या है, साइट ऑफ विलेज वेयर प्रीडोमिनेंटली पीपल लिव, ठीक है, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है आपका बंजर जदीद के ऊपर। बंजर जदीद पर हमने एक सवाल अभी पीछे भी किया था, दोबारा से फिर एक और सवाल है। तो बंजर जदीद इज न्यू फेलो लैंड नॉट कल्टिवेटेड बाय कंटिन्यूअस फॉर हार्वेस्ट थ्रो इट वाज कल्टिवेटेड अर्लियर, तो ये है आपका ए ऑप्शन, पॉज करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, बंजर कदीम, ठीक है, बंजर कदीम, क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, तो बंजर कदीम जो है आपका ओल्ड फेलो इफ कंटिन्यू टू बी अनकल्टिवेटेड फॉर नेक्स्ट फॉर हार्वेस्ट, इसको बंजर कदीम कहते हैं। एक है आपका बरानी, बरानी जो है आपका क्या है, तो बरानी वो जमीन है जो डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पर डिपेंड रहती है। एक है आपका बीघा, बीघा है आपका बी जवाब है इसका, ए मेजर ऑफ एरिया इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरियाज बेस्ड अपॉन द क्रम यूनिट, बी जवाब है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, तो ये आपका बिस्वा होता है 1/20 ऑफ ए बीघा, तो इसका 91 का जवाब ये है। उसके बाद है आपका 92, बिस्वंसी, बिस्वंसी का जो है आपका बी जवाब है 1/20 ऑफ बिस्वा, बिस्वे के 20वें भाग को बिस्वंसी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ चाहो तो आप, ठीक है, बिस्वंसी, बिस्वे के 20वें भाग को। और चाही अगला है आपका, चाहिए इरिगेट, इसकी बात हमने पीछे भी की थी, इरिगेटेड फ्रॉम वेल, और उसके बाद है आपका चाहिए नहरी, इसकी बात भी थोड़ी सी हमारी हुई थी, तो चाहिए नहरी इरिगेटेड पार्टली फ्रॉम वेल और पार्टली फ्रॉम कैनाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94, ये आपका है चकोटा, ठीक है, चकोटा, तो चकोटा जो है इसका जवाब है आपका ए लमसम ग्रेन रेंट और रेंट कंसिस्टिंग ऑफ ए फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्रेन इन द रबी एंड खरीफ। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, मिसल हकीकत फीस इज, मिसल हकीकत फीस इज 10 रुपीज पर खतौनी होल्डिंग अप टू 5 होल्डिंग्स, ठीक है, मिसल हकीकत। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, इसे एक बार पढ़ लेते हैं।
फर्द हकीकत, अगला सवाल था आपका फर्द हकीकत कंसिस्टिंग ऑफ नेम्स ऑफ प्रोप्राइटर्स, टोटल नंबर फील्ड्स एरिया, लैंड रेवेन्यू, रेट्स, सेसिस, फीस इज, उसका है आपका ए फिक्स चार्ज ऑफ ₹2 पर प्रोप्राइटर सब्जेक्ट टू मिनिमम ₹10 एंड मैक्सिमम 200। इसका बी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 98, नक्शा हकूक जंदराव तबाला पंच की, तो इसकी फीस है आपकी ₹10 पर एप्लीकेशन। फर्द बच और ढाल बच, ठीक है, ऐसा असम वेयर फीस इज, तो ये ऑप्शंस देख पा रहे, थोड़ा सा मुश्किल से नाम है, ठीक है, पहले ऐसे नाम चलते थे, इन्हें पढ़ना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। इसका ये जवाब है आपका ₹10 पर एप्लीकेशन। ए गट्ठा आसान सवाल है, इम्पोर्टेंट है, कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये आपका 2.5146 मीटर, ठीक है, पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो है हमने कुछ हरियाणा पटवारी की जॉब से संबंधित जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या जो शब्दावली है उन सब की हमने बात की है, हिंदी में भी बता दिया है, और हमारी टेस्ट सीरीज भी चली हुई है हरियाणा पटवारी वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, और इसके अलावा नोट्स भी अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल, और हमारी हेल्पलाइन पर भी आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है kushmanda.com, इस पर आप डिटेल देख सकते हो। तो बहुत मेहनत कीजिए, जल्दी एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई में, तो मौका रह ना जाए, ठीक है, और चूक मत जाना, कहते हैं ना वक्त का चूका जो है फिर नहीं पनपता, तो खैर कोई बात नहीं है, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है, प्रेम है, ठीक है, अच्छे से मेहनत कीजिए और हम भी आपकी मदद कर रहे हैं, धन्यवाद।